दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसा हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक समीर नाम के लड़के की जो कि अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकल रहा था और उसी दिन उसकी एनिवर्सरी भी थी। और जैसे ही घर जाने के लिए वो अपना बाइक चालू करता है तो उसके बाइक चालू नहीं होता, तो उसने सोचा क्यों ना बस पकड़ कर घर चला जाए। उसके ऑफिस से कुछ दूरी पर बस स्टैंड था, बस स्टैंड की ओर जाना शुरू कर दिया। लेकिन पहुँचते पहुँचते बस स्टैंड तक आसमान में गरज रहे बादल बरसने लगे और तभी समीर ने सोचा कि क्यों ना बारिश से बचने के लिए जो उसके हाथ में एक सूटकेस था वो अपने सर के ऊपर रखा जाए। उसने क्या किया, अपने सूटकेस को सर के ऊपर रख लिया। बारिश की स्पीड और भी बढ़ने लगी और समीर भीगने लगा। तभी कुछ देर बाद समीर के ऊपर बारिश गिरना बंद हो गया। उसने ये देखने के लिए साइड में देखा तो उसके साइड में एक आदमी था जो कि उसके सर में काली टोपी और आँख में काला चश्मा और हाथों में ग्लव्स पहना हुआ छतरी का आधा हिस्सा समीर के ऊपर रखा था जिससे कि समीर के ऊपर बारिश की बूंदे नहीं पड़ रही थी। ये देखकर समीर को काफी अच्छा लगा। समीर ने उस आदमी को धन्यवाद किया। लेकिन तभी समीर का फोन बज उठा और वो फोन समीर की पत्नी रेशमा का था। वो फोन उठाने के लिए वो अपनी जेब के अंदर से फोन निकाला तो भी बारिश होने की वजह से उसके हाथ से फोन स्लिप करके जमीन पर गिर गई। ये फोन लेने के लिए नीचे झुकता है तो उसके साइड में जो खड़ा आदमी होता है उसके टांगे ही नहीं होते हैं और जूते तो थे लेकिन जूते के अंदर पैर भी नहीं थे। ये देखकर समीर की रूह कांप उठे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मान की हवा में झूल रहा हो। समीर ने कैसे भी अपने आप को संभाला और वो सोच ही रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तभी साइड में उसके आदमी जो खड़ा था वो बोलता है कि दुनिया कितनी अजीब है, कहीं बारिश तो कहीं सूखा, कहीं जिंदगी तो कहीं मौत। इस बात का कोई जवाब ही नहीं था समीर के पास। समीर ने किसी तरह अपना मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। अब समीर के चेहरे का रंग बदलने लगा और किसी तरह अपने पत्नी का फोन उठाया और उसके पैरों के बारे में ही सोच रहा था और उसने सोचा कि क्यों ना इस आदमी से दूर चला जाए। दूर जाने के लिए जैसे ही वो अगल बगल देखता है तो पूरा बस स्टैंड खाली था और बारिश एकदम तेज हो चुकी थी और कुछ साफ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कोई भी ऑटो या फिर बस का कोई भी नामो निशान नहीं था। वो समीर काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। अब समीर की हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी। देखते ही देखते बारिश और भी तेज़ हो गई और उस तूफान में केवल इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। अब समीर को बारिश की वजह से कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने अपने पत्नी को मैसेज करते हुए अपने सारे सिचुएशन बताते हुए उस लोकेशन पर आने के लिए बोला। यह मैसेज लिखते ही समीर को उस आदमी की आवाज़ आई कि रेशमा को बुलाना यहाँ ठीक नहीं रहेगा। ये बात सुनकर समीर को मानो तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। समीर ने छतरी के नीचे से निकलकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। समीर रोड के साइड पर लगे बेंच पर जाकर बैठ गया और वो अपने सांसों को नॉर्मल करने लगा। उसकी सांसें काफी ज्यादा तेज चल रही थी। समीर बेंच पर बैठा ही था लेकिन तभी अचानक उसके सर पर आना बारिश बंद हो गया। फिर से जैसे उसने अपने साइड में देखा तो वही छतरी वाला आदमी उसके बगल में बैठा था। समीर इस आदमी को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। फिर से समीर उस बेंच से उठकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। कड़कती हुई बिजली की आवाज से उसकी चीखें कहीं जा भी नहीं रही थी। समीर भागते भागते रोड के दूसरे साइड जाकर रुक गया और तभी बिजली कड़कती है, लेकिन तभी बिजली की रोशनी से उसके ठीक रोडों के बीचों बीच वही आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो छतरी लेकर मुस्कुराता है। और जैसे ही वो अपना चश्मा उतारता है तो उसकी आंखों से लगातार खून बह रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ गई थी। इस बार उसका आधा शरीर ही हवा में तैर रहा था। ये देखकर तो समीर की अब कुछ उम्मीद ही नहीं दिख रहा था। जैसे ही समीर उस आदमी को देख रहा था तभी उसे पीछे से बस की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर तो मानो समीर के अंदर जान आ गई हो। जैसे समीर पीछे मुड़कर देखता है तो सचमुच का एक बस आ रहा था। अचानक काफी सारे लोग बस की तरफ भागने लगे और समीर उसी भीड़ में समीर भी वहाँ पर भागने लगा ताकि जल्दी से जाकर वो बस में बैठ जाए, इस मुसीबत से छुटकारा पा ले। लेकिन जैसे ही बस स्टैंड तक पहुँचता है तो काफी सारी भीड़ वहाँ पर जमा हो चुकी थी और उसी भीड़ में लोग लगातार वहाँ पर बस के अंदर चढ़ ही जा रहे थे। लेकिन समीर उसी भीड़ के अंदर जमीन पर गिर जाता है और लोगों को पैर समीर के ऊपर से जा रहे थे। समीर नीचे जमीन पर गिरा था और लोग उसके ऊपर से चले जा रहे थे। समीर तो उठ ही नहीं पा रहा था। तभी कंडक्टर बस के ड्राइवर को बोलता है, यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है, बस को थोड़ा सा आगे ले लो। समीर नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। बस जैसे ही आगे बढ़ी समीर के आधे हिस्से से बस गुजर गई। तभी समीर की बताई हुई लोकेशन पर रेशमा वहाँ पर पहुँच गई। उसने देखा कि रोड के बीचों बीच लथपथ उसका पति समीर होश खो बैठा था। उसका शरीर आधा कुचल चुका था। जैसे ही रेशमा वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर और कोई भी नहीं था। लगता है बारिश आ रही थी और पूरे रोड वहाँ पर सुनसान थी। जैसे तैसे रेशमा अपने पति को उठाया और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने उसका इलाज किया। समीर तो ठीक हो गया लेकिन समीर का आधा शरीर कुचल गया था, उसके दोनों टांगे नहीं बची थी।
अब वो कोई काम नहीं कर सकता था, मानो बेजान सा पड़ गया था। और समीर अपने साथ हुई घटना को किसी को बताता है तो वो भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता है। तभी रेशमा को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। अभी रेशमा टीवी पर एक न्यूज देखती है जिसमें 10 साल पुराने उसी केस के बारे में बताया जा रहा था। अभी रेशमा ने 10 साल पहले देखा तो एक आदमी ऐसे ही हादसे का शिकार हुआ था और उसका मौत हुआ था। तब से लेकर आज तक मानसून के महीने में वहाँ पर एक आदमी इस हादसे का शिकार होता ही होता है। और पुलिस से बयान देते वक्त सारे आदमी काले आंख वाली आदमी के बारे में बात करते हैं। रेशमा समझ गई थी कि समीर काले आंख वाली आदमी का ही शिकार हुआ है। कुछ सालों बाद डिप्रेशन की वजह से समीर की मौत हो गई। अब रेशमा अकेली पड़ गई थी। रेशमा ने सोचा कि वही काली आंख वाला आदमी किसी बस के नीचे आकर मर गया होगा और इसी वजह से मानसून के महीने में वो आदमी किसी न किसी को अपना शिकार बनाता है। रेशमा उसे पूछना चाहती थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था और लोगों को अपना शिकार क्यों बना रहा था, लेकिन आज तक रेशमा का वो आदमी नहीं दिखा और शायद कभी दिखेगा भी नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन था वो काले आंख वाला आदमी और क्यों लोगों का मार रहा था? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।